if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like. हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं व्लॉग का आगाज़। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि आज रात को ना करीबी एक मेहंदी का फंक्शन है। रिश्तेदार तो नहीं है समझ लें, बहुत अच्छी जान पहचान है, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। तो इस चक्कर में बस अभी बच्चे सो ही रहे थे, सुबह तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो इनको उठाने से पहले मैंने कहा जो थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग करनी है वो मैं कर लेती हूँ, बाद में इनकी बारी आएगी। फिर एक दफ़ा अगर उठ जाए ना, फिर कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहती। ये तो आज के व्लॉग में आपको बहुत अच्छी तरह नज़र आ जाएगा, क्योंकि आगे कुछ वीडियोज़ हैं जो बच्चों साथ रिकॉर्ड की गई हैं, और वो कभी कैमरा इधर जा रहा है और कभी उधर जा रहा है। तो पहले मैंने भी बड़ी कोशिश की कि एक हाथ से मैं काट सकूँ, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। फिर मुझे कहीं ना कहीं ये कैमरा अपना एडजस्ट करना पड़ा, और मैंने जल्दी से जो है वैक्स स्ट्रिप्स काट के वैक्स कर ली थी, और अब मैं जी करने लगी हूँ कर्ल्स। ये कर्ल्स करना बहुत आसान है, इसके लिए मैंने हेयर स्प्रे लिया है, और जो काली वाली पिनें होती है ना जिसे बॉल पिन कहते हैं, वो मुझे कुछ चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पिन से मैं किस तरह रोल करके और स्प्रे करके अपने बाल ना कर्ल कर लूँगी। अच्छा था घर घर का फंक्शन, तो इस वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा ना बालों को भी और तरह से लुक दे दूँ। ये देखें, मैंने बालों को जो है पिंस की मदद से कर्ल्स कर लिया है, और मतलब के कॉर्नर पे पिन लगा दिया है, और सब पे जो है ना एक एक रोल को पकड़ के स्प्रे कर लिया है। तो ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है, तो रात 8 बजे तक हमने जाना है, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास का मार्जिन है, तो इसमें ये अच्छे से ना कर्ल्स हो जाएंगे। उसके बाद जी एक साहब उठ के दूसरी जगह लेट गए थे, और एक उठ के अपने कपड़े पकड़ के घूम रही थी, क्योंकि उठते साथ ही ना इन्हें होता है कि हमने पहले नहाना है और फिर नाश्ता करना है। तो मैं पहले इनके कपड़े अलहदा अलहदा करके रख देती हूँ, तो जैसे ही उठी है तो उसने अपने कपड़े फ़ौरन पकड़ लिए हैं। फिर जी आ गई थी नाश्ते की बारी। अच्छा, नाश्ते में अगर आटा गूंदा होना तो आप समझें कि आधा काम हुआ होता है, और अगर आटा गूंदना पड़े तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग में, क्योंकि वो बहुत थोड़ा मतलब कि टाइम मार्जन होता है कि साथ ही खाने का भी करना होता है। पापा वालों ने तो सुबह 10 बजे का नाश्ता किया होता है, कि उन्होंने 2-3 बजे खाना खाना होता है, तो इस वजह से फिर होता है कि जल्दी जल्दी बस नाश्ता बनाओ और किचन जो है ना फारिग करके फिर खाने की तरफ आ जाओ। तो जी ये जो वो खोया था जो मैंने बनाया था उस दिन, जो दूध ख़राब हो गया था, तो ये अभी तक फ्रिज में ही पड़ा हुआ था। तो जब तक हमारा जो है आटा गूंथ के उसे थोड़ी देर मैंने साइड पर रखा है, ताकि वो अच्छा सा क्या कहते हैं सुमर जाए पंजाबी में, पता नहीं क्या मतलब, अच्छा सा सेटल्ड हो जाए। तो ये खोए वाला बाउल जो है मैंने खाली कर दिया, अगर ये फ्रिज में ही पड़ा रहता तो ये ख़राब हो जाना था, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो मैं इसको अलग अलग 3 पैकेट्स बना के ना फ्रीज़ कर दिया कि किसी मीठे में भी इस्तेमाल हो जाएगा, खीर जर्दा या कुछ भी और बनाना हुआ, क्योंकि जिस जिसने जैसे खाना था ना मतलब वैसे ही वो तो खा चुके थे, तो ये पड़ा हुआ था और ये पड़ा ही रहना था, तो इससे अच्छा था कि फ्रीज़ होके किसी चीज़ में इस्तेमाल हो जाए। तो बस 3 आराम से इसके जो है पोर्शन बन गए, और उसे मैंने कर दिया फ्रीज़। उसके बाद जी आ गई थी नाश्ते की बारी। हम सब ने उठ के उस टाइम नाश्ता किया था, और साथ ही बस मैं मामा वालों की रोटियाँ भी बना दूँगी ताकि ये काम भी ख़त्म हो। तो सबसे पहले जो है मैंने नाश्ता सर्व किया था हाजिक के बाबा को, उसके लिए चाय और अंडा झंडा बनाया था। छुट्टियाँ तो आजकल ना 2 मील्स पे आए हुए हैं ज़्यादातर, ये होता है कि नाश्ता थोड़ा सा लेट हो जाता है, और फिर चाय के टाइम ना कोई चीज़ बन जाती है, या कोई भी स्नैक, कोई भी सैंडविच, कुछ भी ना चाय के साथ अच्छा खासा लवाजमत कर लेते हैं, और फिर दोपहर का खाना बिल्कुल स्किप होता है, और रात को खाना खाते हैं। तो एक छुट्टियों की ना अजीब सी रूटीन बनी हुई है। आपने देखा होगा आज टेबल शेबल छोड़ के जी बेड पे खाना रखा हुआ है, वो पता कह रहा है लाइट इतनी जाती है, तो कोशिश करते हैं कि एक ही पंखा इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि 2 घंटे बाद आएगी, 3 घंटे बाद आएगी या आएगी नहीं। तो अंदर बैठे हुए थे सारे बच्चे और मामा वगैरह, तो फिर मैं इनका और अपना नाश्ता भी अंदर ले गई। तो बच्चों की नई फरमाइश आई थी कि हमने ना
आज पराठा परूठा कुछ भी नहीं खाना, हमें जो है अंडा बॉयल कर दे। तो बस मैंने इन दोनों के लिए अलग अलग एक एग बॉयल कर दिया है। जिस टाइम मैंने नाश्ता बनाया था उस टाइम साथ रख दिया था, तो नाश्ता करने तक ये बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अच्छा, हमारे इधर की एक बड़ी ये मिथ है कि भाई गर्मियों में अंडा नहीं खाते, अंडा गर्म होता है तो गर्मी में खाना नहीं चाहिए। लेकिन मतलब के डॉक्टर्स कहते हैं कि गर्मी हो या सर्दी, आप एक अंडा ज़रूर खाया करें, अंडे से कोई भी गर्मी का ताल्लुक नहीं है। तो जी, अब दोपहर के बाद हम ऊपर आ गए थे, थोड़ा सा जो काम था, मैंने इनके कपड़े शपड़े धोए थे तो वो मैंने अलग अलग करके रख रही थी, और जाने की भी मैंने कहा थोड़ी सी तैयारी कर लूँ क्योंकि मगरिब के बाद हमने जो है रवाना हो जाना था। तो बच्चों को मैंने मसरूफ़ किया था थोड़ी सी चीज़ें दे के, जो चीज़ें मैंने पहले ज्वेलरी श्यूलरी की अलग की हुई थी तो ये उनसे लगे हुए थे। फ़िलहाल तक तो मामला जो थे वो काफ़ी हद तक सेटल्ड थे, मतलब सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी। तो ये मैं जो है ज्वेलरी का बॉक्स हाजिक और मिन्हा के पास था, ये मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, इनके साथ चीज़ें निकालना बहुत तो मुश्किल है, ये एक चीज़ मिलती है तो दो गंवा देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि एक जो मेरा जो एयरिंग्स है वो मिल गया था, और एक का जो है ना ऊपर वाला क्या कहते हैं होल्डर या कुछ भी, वो इन्होंने पता नहीं कहाँ फेंक दिया। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ना वो मैंने लगाया है। उसके बाद जी आज मैंने बैग शैग लेके नहीं जाना था क्योंकि एक बच्चों का बैग पकड़ो और एक अपना हैंड बैग पकड़ो, तो थोड़े देर के लिए जाना था। तो मैंने अपने हैंडबैग की चीज़ें भी ना ये बच्चों वाले बैग में ही ट्रांसफ़र कर दी थी, जो जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए थी। अच्छा, बच्चों के साथ जाओ तो आपके पास सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसे अकेले जाना हो तो एक दुपट्टा ही काफ़ी होता है, लेकिन पैम्पर वाइप्स और इस तरह कोई टॉय, कोई गर्मियों के लिए पंखा, ये सारी चीज़ें ले जानी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जी इसके बाद मैं आ गई थी, मिन्हा को मैं लगा रही थी टॉप्स। अच्छा, मेरे पास स्टिकर्स हैं जो मैं इसके टॉप्स लगाती हूँ, लेकिन ये लड़की की हाल देख लें, इसने बस मैंने एक कान पर लगाया तो इसने उतार के साइड पर रख दिया, मैं दूसरे पर लगाऊंगी। इसको शौक़ बहुत होता है कि मेरे लगाओ, लेकिन वो शायद उलझन करते हैं, या थोड़ी देर पहले फ़ील होता है ना जब नई नई कोई चीज़ आपके साथ अटैच हो, तो उसको भी थोड़ी देर फील हुआ कि कुछ चीज़ लगी हुई है, तो उसने उतार के ना फ़ौरन साइड पर रख दी। तो बड़ी मुश्किल से जी मैंने इसके दोनों कान पर स्टिकर लगाए थे जो कि जाने तक इसने उतार दिए थे। पहले जब छोटी थी ना बहुत अच्छे तरीके से काबू आ जाती थी, मतलब आप आराम से लगा देते हैं तो कुछ भी नहीं करती। अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है तो ना सर पे कोई चीज़ छोड़ती है, ना कोई पोनी, ना कोई पिन, और ना ही कोई मतलब कान शान में। तो जी अब बारी आ गई थी नेल्स लगाने की। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आर्टिफिशियल नेल्स लगाऊँ, एक तो समझेंगे आज मैं वेली थी, काम कोई नहीं, क्योंकि रात का फंक्शन ना शाज ही हैदराबाद में होता है, तो मतलब दोपहर के बाद आप अक्सर फारिग हो जाते हो सारे काम को करके। तो मैंने आज सोने सोने की कोई वो नहीं की तरद्दुद के इनको सुलाऊं, ये लोग भी आराम से खेल रहे, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम करती रहती हूँ, और ये आप हालात देख लें, दोनों बच्चे साथ हैं तो ना कैमरा टिक रहा है और ना कोई मेरा नेल मिला। तो मैंने कहा भाई बराए मेहरबानी रहने ही दो, इतनी शकीनियाँ मैं रख ही लेती हूँ उठा के वापस, मैंने कोई नहीं लगाने। तो मैंने सारी चीज़ें ना उठा के वापस रख दी हैं, और आधे मुझे नेल्स मिले थे, और यकीन माने आधे जब मैंने ये सोफ़ा कम्बर्ड ऊपर किया ना नीचे गिरे हुए थे। इन दोनों ने इतनी कोई है ना इसके साथ मस्तियाँ की हैं, मतलब के नेल्स वाले पाउच के साथ, कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद जी मैंने कहा चले नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, तो वो भी कहाँ अकेली ऐसे आराम से लगने वाली थी। तो पहले जी मैंने मैडम के लगाई है दोनों पाँवों पर, उसके बाद जी मेरी अपनी बारी आई है। आज की वीडियो थोड़ी डिटेल में है, आपको पता लगेगा कि जब एक माँ यहाँ माएँ तैयार होके कहीं जाती हैं तो वो क्या मतलब कौन से जो है ना जंग लड़ती हैं। तो बिल्कुल ये वही जंग का या वही मनाजिर है, मतलब जाने से पहले की तैयारियाँ देखें, जो काम मैं कर रही हूँ मिन्हा ने ज़रूर करना है, और वो अब हाजिक भी इसमें शामिल हो गया। तो पहले मैंने इधर जी साइड पर कैमरा रखा था, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये कैमरे पर भी हमला हो जाएगा, तो वो भी उतार के मैं साइड पर रख दूँगी। मैंने कहा छोड़ ही दो वीडियो शीडियो एवं ही ऐसी ला लेने हैं। तो मीना के मैंने ना एक एक मतलब उंगली पे दोनों हाथों की एक एक फिंगर पर लगा दी थी, और मैंने से कहा था कि आप ना ये आराम से बैठे सिखाओ। तो जी ट्राईपोड का हाल देख लें, बेचारा कहीं ऐसे लूला लंगड़ा साइड पे पड़ा हुआ है, और ये नेल पॉलिश सिखा रही है। मीना मुझे देखते ही ना फ़ौरन फू फू करने लग गई है अपने हाथ पे। तो मेरी भी जी नेल पॉलिश हो गई है डन, अब मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। गए हुए थे शहर और मैंने जाना था थोड़ी देर मार्केट आईब्रोज बनवाने। तो मार्केट जाते थे ना, आज मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि ना मुझे अपने पापा की एक बात याद आई थी कि हम जब भी किस कहीं जाना होता है ना, तो होता है कि यार मार्केट जाना है, ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। तो एक डायलॉग ना मुझे याद आ रहा था बंदों का कि जितों कितने जाना होता आज चीज़ें ही मुखियाँ रहती हैं।
तो बिल्कुल यही हिसाब था कि मैं जब भी कहीं जा रहा हूँ कोई ना कोई चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ती है। खैर अब मैं कुछ भी लेने नहीं आई थी, सिर्फ मैंने जाते जाते दो रीलें मैच की हैं और आईब्रोज बनाई हैं और बस बाज़ार आए हैं तो चलते चलते ना मैंने कहा चले मिन्हा की पिंस भी ले लेते हैं। हालांकि ये घर से इरादा नहीं था, जब चलते चलते मुझे एक स्टॉल नज़र आया तो यहाँ के मैंने ना पिन और पोनिया मिन्हा की ख़रीद ली, क्योंकि अब जो है ना गंज के बाद अब हल्के हल्के बाल आना शुरू हुए हैं तो अब छोटी पुनिया चाहिए। पहले जो थी मेरे पास वो बड़े थे, क्योंकि पहले बाल जो थे वो काफ़ी लंबे थे तो वो आराम से उसमें कैच हो जाते थे। तो कोई बात नहीं जी, जितों कितने असी जाना हो साड़ियाँ चीज़ें मुकियाँ रहेंदियाँ, तो ऐसे ही होता है। मुझे लगता है ज़्यादा घरों में ऐसे ही होगा। अगर आप इत्तफाक करते हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जी बस मैंने इधर से छोटी छोटी पोनियाँ उठाई हैं, दो तीन काम किए थे मार्केट से, आईब्रोज बनवाई थी और ये दो बस मैं स्टॉल्स पर रुकी हूँ और घर आ गई थी। हालांकि ईद का टाइम है लेकिन मार्केट में बिल्कुल वो गहमा गहमी नहीं है, क्योंकि एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, दूसरा शायद ये भी है कि बड़ी ईद पे लोग बकरे शकरे पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बजाय इस पे कि अपने आप पे। तो बस आते हुए मैं वहाँ से नमक पारे और समोसे ले आई थी, मैंने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये ना हुआ जाते ही बच्चे कहें खाना खाना खाना, तो जाहिर सी बात है फंक्शंस में खाना थोड़ा सा लेट भी हो जाता है और लोगों ने अपने हिसाब से टाइम से खाना देना होता है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा था। तो बस मैंने जो है कमरे में शीट मुझे मिलनी नहीं थी तो ट्रे में रख के इस तरह इनको नमक पारे वगैरह सर्व करती हैं और बाकी मैं अपने लिए इनके लिए और मामा के लिए समोसा ले आई थी, हम वो खा लेंगे। तो अब जी मगरिब का टाइम करीब करीब था और इन्होंने जाना था मगरिब पे, तो हाजिक को भी मैंने तैयार करके साथ ही भेज दिया था। इधर जी हाजिक तैयार हो चुका है और ये बाहर गया है, तो मिन्हा पहले ही जी बाहर ठहरी थी और उसने जाते सारी ना इसकी जो वेस्टकोट उतार के खुद पहन ली है। अच्छा जो ये छोटा एटम बम है ना, ये ज़्यादा होशियार है, बेचारा नाराज़ होकर आराम से चारपाई पर बैठा हुआ है। भाई तू कुछ कर ही ले अगर तूने वापस लेनी है, लेकिन वो आराम से चारपाई पर बैठा हुआ है और उसकी वेस्टकोट पहन के ना उसके इर्द गिर्द घूम रही है। ये बच्चा ना अपनी बहन का बहुत लिहाज करता है, उसको कुछ नहीं कहता और ना मुझे कहने देता है, तो इस चक्कर में बस एक दो बार प्यार से ही कहा मिन्हा दे दो पर वो का मानने वाली थी। इधर जैसे ही जी हाजिक गया है तो मैंने मिन्हा को भी चेंज वेंज करवा के और बाल शाल बना के ना, ये दोपहर सोई नहीं थी तो इसकी नींद से बहुत बुरे हालात थे, सो चुकी थी और मैं तैयार हुई हूँ। अब मैं आपको अपने कर्ल्स दिखा रही हूँ, ये देखे मैंने खोले हैं तो कितना प्यारा सा इसका लुक आया है, थोड़े वेवी से प्यारे से कर्ल्स बन गए विथआउट एनी जो है मशीन या कर्ल है। देख लें आप इस तरह भी कर्ल्स कर सकते हैं। अब मैं खोल के इन पर एक बार फिर मैंने स्प्रे कर दी थी। अब जी तकरीबन 8:30 हो रहे थे, 8:20 जब हम घर से निकले थे, तो तकरीबन 10 मिनट के फासले से उनका घर था, मतलब 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे। तो बड़ा ही मज़ा आया हमें यह फंक्शन एंजॉय करके, एक तो सारे जान पहचान वाले थे और आपको पता है कि फिर जब सारे एक जैसे इकट्ठे हो जाएं तो बातें शातें मजाक और इस तरह का जो है ना हंगामा चलता रहता है। तो रस्ते में जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे थे तो कहीं बकरों की थोड़ी बहुत उन्होंने मतलब कहीं चौराहे पे लोग लेके खड़े थे, कहीं बैल वगैरह, क्योंकि आजकल अब यही सीज़न चल रहा है। चलें जी आज के व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा वीडियो, कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।